चालू हो गई बनो सन्मत होके बुझाल हमनी को दही नही नो भोजपुरिया श्रोता समाज के हम तूफानी लाल यादव हाथ जोड़ के बोलगी करते हैं। मेन बात ई बा भैया कि हमारा लाइव आवे के पड़ल है। हम रउरा सब एगो चीज देख ले हम जा कि हम तूफान लाल यादव हमेशा ही कोशिश करी ना रउरा सब के भाई ई कभी भी मतलब कि टेंशन ला काम में लफड़ा में मत पड़ी। काहे से हमनी के वो काम हो गावल बजावल के खुश कैल आई मनोरंजन कैल ना कि टेंशन लेहल आ मतलब कि तमाम तरह के अनबन कैल आए उ सब हम ना कैल चाहे ना। लेकिन अब गोरी तोरी चुंडी बा लाल लाल रे ई गाना आइल बा जब से तो मतलब कितना लोग कलेम लगैले आए कितना लोग कलेम लगैले कितना लोग बोलत हमें तो ये गाना के इन्हें तत्काल में गैले बाई हमनी के वेब कंपनी से रितेश भाई गैले बनी। तो रितेश भाई गैले बाई आ ओ में विशाल दुबे जी लाइव आके बोलले बनी कि मतलब कि ये चोरी हुआ है जो लोग आया है फिर मतलब एक जगह और एगो चैनल पर हम सुननी कि चुराया था लोग मैंने ब्लॉक करा दिया है। तो ब्लॉक भइल बा हमरे गाना आए ब्लॉक भइल बा हमरे गाना अर्नव फिल्म पर गाना ब्लॉक भइल बा हमार तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड बा ओहू पर ब्लॉक भइल बा आए तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड बा ब्लॉक भइल बा चित्रा फिल्म रहा ओहू पर ब्लॉक भइल बा। तो मतलब कि दूसरे का ब्लॉक नहीं हुआ केवल हमारा ब्लॉक हुआ है आए। अब बात रहा कि ये लोग कह रहे हैं मेरा गाना है हम एक ही बात बता रहे हैं ये लोग भाई लोग अच्छे गायक हैं रितेश भाई अच्छे गायक हैं विशाल जी अच्छे गायक हैं। हम रियली में हम गायक नहीं हैं और ना कभी गायक थे हम तो गवाते थे हम तो गायकों का आज तक सेवा किए हैं सब लोग जानते हैं रितेश भाई भी जानते हैं विशाल भाई भी जानते हैं मैंने गायकों का सेवा किया है एक गायक नहीं आप लोग के आशीर्वाद से कई गायक स्टार बना है इन्हीं हाथों से आप लोग के प्यार दुलार मिला नसीब साथ दिया हम लोग मेहनत किए। लेकिन एक नहीं होता है जीदा जीदी हो जाती है जीदा जीदी में मैंने गायक बन गया तो एक तो जीदा जीदी करके मैंने इतना पछताता हूँ कि मैंने गायक बन गया हाँ ये काम उठा लिया तो अब फिर मैं जीदा जीदी नहीं करना चाहता हूँ कोई भी काम में। इसलिए बहुत ही शालीनता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये गाना है मेरा गोरी तोरी चुंडी बा लाल लाल रे ये 2015 के शुरुआत में ही शायद तीसरे महीने में 2015 के मार्च में लमसम रंजे बावला के स्टूडियो में जिस समय उस समय शायद पूर्ण रूप से याद नहीं है लेकिन इतना हमको याद है कि उस समय शंकर भैया जो शंकर सिंह म्यूजिक डायरेक्टर हैं शंकर सिंह जी हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं हम केवल अपना बात कह रहे हैं बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि वही बात बताने के लिए हम अपना सफाई देने के लिए आए हैं। उस समय शंकर सिंह म्यूजिक डायरेक्टर जो पटना के हैं शंकर सिंह जी और रंजे बावला जी सिम्फनी स्टूडियो में वहीं पर सब काम होता था। ये अर्नव फिल्म के माध्यम से ये प्रोजेक्ट हुआ था अर्नव सिंह हैं उनके पिताजी उस समय अति पिछड़ा आयोग के मंत्री थे शायद मंत्री थे हाँ अति पिछड़ा आयोग के लाल बत्ती उत्ती मिला था वहीं गाड़ी लेकर आते देखे थे। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये हम 2015 में गाए हैं 2015 के मार्च में शायद गवाया था मतलब 2015 ये फाइनल है तो उसका हम प्रूफ भी दिखा रहे हैं। तो जब 2015 में जो गाना गाए तो उस समय यूट्यूब का व्यवस्था अर्नव भाई के पास नहीं था तो मैंने चंदा से रेगुलर गाते हैं चंदा से हम रेगुलर गाते हैं तो चंदा में प्रोजेक्ट दिए चंदा अर्नव फिल्म में उस प्रोजेक्ट का नाम था पलंग के रंगबाज। चंदा कंपनी में शायद 2 साल बाद गया 2 साल की 1 साल बाद गया वहाँ पर नाम रखाया वो लोग जूके बक्स बना के डाले आईडियो का बक्सर के रंगबाज वो बक्सर के रंगबाज करके डालें पूरा आइडियो है उसमें 9-10 गाने का जो सारा अभी क्लिप दिखाएंगे हम तो वहाँ पर डाला गया। तो जो भी गाना है जो भी नेट पर चढ़ाए हैं विशाल जी कहें कि मेरा गाना है ठीक है आपका गाना है लेकिन आपका यूट्यूब पर वेब कंपनी में जो चढ़ा है चंदा कंपनी में चढ़ने के बाद चढ़ा है। हम गाए हैं कब का अर्नव फिल्म में गाए हैं बहुत पहले लेकिन उसके बाद चंदा में चढ़ा 1.5-2 साल बाद डेढ़ 2 साल बाद चंदा में हम मतलब कि यूट्यूब पर चढ़ा उसके बाद विशाल जी का वहाँ गाना चढ़ा है डेट हम देखें। तो मतलब हम कोई उस प्रतिस्पर्धा से चाहे द्वेष से नहीं बोल रहे हैं विशाल भाई को चाहे रितेश भाई को हम अपना जो दिल में हमारे बात था जो सफाई था हम देना चाह रहे हैं कि आप भी एक कलाकार हैं आप अच्छे कलाकार हैं बहुत अच्छे कलाकार हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है
काफ़ी लोग प्यार दुलार करते हैं आपसे। अरे हम लोग तो गायक है ही नहीं है, हम लोग तो इसी तरह एक जीदा जीदी में गाते हैं, भाई लोग प्यार देना चालू कर दिया, ये मतलब हम भी गाना चालू कर दिए, बस यही हुआ है। तो रितेश भाई अभी गाएं, उसके पहले विशाल भाई गाएं वहाँ पर वेब कंपनी में आए, तो उसके पहले भी विशाल भाई से पहले चंदा पर हमारा रिलीज है गाना। लेकिन हमको बात ये नहीं समझ में आई, आए बात हमको ये समझ में नहीं आई, आ दुख हमको इस बात का लगा कि वेब कंपनी और चंदा कंपनी एक घर की कंपनी है, वेब कंपनी चंदा कंपनी एक घर की कंपनी है। जब चंदा कंपनी में पहले गाना आया था तो मैंने जब विशाल जी का गाना देखा तो हमको कुछ जानकारी नहीं था इस विषय में, तो मैंने कहा कि सर एक लड़का चढ़ाया है गाना, वो देख लीजिए, वो लोड किए हैं वेब पर। तो राजीव भैया थे चंदा में, तो राजीव भैया बोले कि सुनिए आपस में लफड़ा नहीं किया जाता है, वो घर की कंपनी है, आप भी चढ़ाएं वो भी चढ़ाएं चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, घर की कंपनी है। तो हम उतना माइंड नहीं किया, हम उनका बात मान गए क्योंकि बहुत मतलब हमको हेल्प करते हैं चंदा वाले भाई, शुरू से हेल्प किए हैं, तो हम कुछ नहीं बोले। गाना उनका भी चलने लगा, भाई बोलिए ना कि हम लोग काम में हैं, चाहे बंद कर दीजिए चाहे फ्लाइट मोड में कर दीजिए। तो वहाँ पर मतलब कुछ नहीं लोग बोले। उसके बाद क्या हुआ कि हम भी नहीं कुछ बोले, अपना गाना उनका चंदा में हमारा चलता रहा, उनका वेब में चलता रहा, लेकिन इतना दिन के बीच में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन रितेश जी का गाना रिलीज हुआ तो रितेश जी का गाना रिलीज हुआ तो फिर हम भी मतलब कि नए सिरे से अभी से 6 महीना पहले भी, क्योंकि उस गाने में उनको दिखता था कुछ, उस एल्बम में ही दिखता था जो गोरी तुरी चुंडी लाल 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 है, पलंग के रंगबाज था, उस एल्बम को अर्णव जी जब से यूट्यूब चालू किए हैं तो बीच बीच में अभी 6 महीना पहले भी उसको अपलोड किए थे, इस गाना को 6 महीना पहले भी अपलोड किए थे, या नहीं कि रितेश जी का आया तब अपलोड हुआ है, 6 महीना पहले भी अपलोड किए थे। तो उनको लगता होगा भाई कोई कंपनी पैसा लगा, बीच बीच में अपलोड उसमें का गाना कोई कोई करते रहते थे तो किए थे। तो अर्णव जी का भी ब्लॉक किया गया, उन पर स्ट्राइक भी गया है, हमारे चैनल को ब्लॉक किया गया है उस गाने को। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आखिर रितेश जी का आया तो हम तो आपके कंपनी के थे, कम से कम आप लोग को इतना रहम खाना चाहिए कि पहले तो गायक नहीं है, किसी तरह हम गाते हैं आए आप लोग के प्यार दुलार से, तो कम से कम ब्लॉक नहीं करना चाहिए, चलने देना चाहिए आए। अब रहा बात कि हम इसलिए चाह रहे थे कि भाई आप भी गाएं हम भी गाएं, चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब बात आ गई कि नहीं ये मेरा गाना है, वो लोग कह रहे मेरा गाना है, तो मेरा गाना आज कोई भी गाना YouTube पर अपलोड करना होगा तो हम क्या देखेंगे, हम प्रूफ क्या देखेंगे, YouTube पर सर्च मारेंगे और देखेंगे किसी का गाना नहीं ना है तो नहीं, तो उस पर हम अपलोड करेंगे कि कोई लोड नहीं किया है तो ये मेरा गाना हुआ ये सही। कोई भी राइटर देता है तो गाया हुआ गाना भी दे दिया, तो हम लोग सर्च मार के अब डालते हैं कि सर्च मार रहे हैं ये कोई गाया नहीं ना है, तो आ जाता है सर्च में, तो नहीं डालते हैं आए आप सर्च में नहीं आया तो भाई कोई नहीं गाया है, यही ना आज क्या उपाय है, यही ना उपाय है। हम लोग तो उतना पहुंचे हुए हैं नहीं कि कॉपीराइट में जाए वो ये करे वो करे, हम लोग छोटे कलाकार हैं भाई, गरीब आदमी हैं, किसी तरह जीते हैं आए, दो रोटी चलता है, आप लोग बड़े बड़े कलाकार हैं आए, आप लोग बहुत आगे हैं आए, तो कम से कम गरीब आदमी को जीने दीजिए, क्यों मार रहे हैं भाई। तो उसको भी ब्लॉक कर दिए, जबकि हमारे पास YouTube पर सबसे पहले मेरा गाना चढ़ा है रितेश जी से और विशाल दुबे जी से, दोनों लोग से पहले YouTube पर चढ़ा है। मैंने बात भी वेब कंपनी में किया तो राहुल रंजन है, दिनेश सर का नहीं नंबर लगा, चंदा में भी बात किया, आज 4 दिन से ब्लॉक नहीं हटा रहे, क्या भाई दिक्कत है, गाना चढ़ाए थे उस समय ब्लॉक नहीं हुआ था, गाना जो पिकअप पकड़ा तो ब्लॉक कर दिए। तो दुख लगा कि हम इनके कंपनी के लिए भी गाते हैं, वेब एक बड़ी कंपनी है, भोजपुरी की हस्ती है, सबसे बड़ी है भोजपुरी की, 2 करोड़ लोग प्यार दुलार दे रहे हैं आपको, तो 2 करोड़ प्यार दुलार दे रहे हैं तो उसमें से कहीं हम लोग भी हैं, हम लोग भी सब्सक्राइब करके रखे हैं आपको, तो प्यार दुलार हम लोग दे रहे हैं, सब भाई लोग दे रहा है, तो कम से कम जब सबसे पहले तूफान लाल का यूट्यूब आया है तो इतना तो आपको रहम करना चाहिए कि आपका भी चल रहा है मेरा भी चल रहा है, जब हम आप पर कोई बाधा नहीं पहुँचा रहे हैं और सबसे पहले यूट्यूब पर हमारा चढ़ा है, डेट दिखा रहे हैं अभी, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि हमको ब्लॉक कर देना चाहिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए कि और लोग भाई लोग के पास ये पहुंच जाए, थोड़ा सा सुन ले सब लोग, मैंने जो हम सफाई देना चाह रहे हैं। तो अब हम दिखा दे रहे हैं किस किस समय में रिलीज हुआ है, कब कौन कौन गाना रिलीज हुआ है, वो दिखा दे रहे हैं।
और वो दिखा दे रहे हैं। इसके बाद विशाल भाई का कहना है, वेब कंपनी का कहना है कि विशाल भाई बचपन में गाए थे, तो हम लोग तो नहीं जान रहे हैं कि बच्चा वो लड़का जो गा रहा है आप विशाल जी हैं कौन है। हम मान रहे हैं कि विशाल जी हैं बचपना में गाए हैं। तो विशाल जी बचपना में गाए हैं तो हम ये जानना चाहते हैं क्या वेब कंपनी हमारे भोजपुरी नारदी कलाकार हैं स्वर्गीय श्री भिखारी ठाकुर जी, श्री राधा किशुन व्यास जी, श्री कमलबास कुंवर जी, श्री अरविंद सिंह अभियंता जी, स्वर्गीय श्री मुनि गुड्डू साहनी जी आए अरविंद अभियंता जी है ये हैं, फिर इधर श्री अजीत हलचल जी हैं, श्री कमलेश देहाती जी हैं, हमारे बक्सर जिला के श्री बूढ़ा व्यास जी हैं, तो श्री ये हैं क्या कहलाते हैं सुदर्शन व्यास जी मगध सम्राट, तो सारे जितने लोग गायक हैं शंभु यादव जी हैं, तो श्री विजेंद्र गिरी जी हैं, तो जितने लोग मोटकी के व्यास हैं हैं हमारे स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी हैं जो भोजपुरी की हस्ती हैं, तो सारे लोग का हम नाम इसलिए ले रहे हैं कि सारे लोग प्रोग्राम में कितना गाना गाए होंगे। आप फिर एक बात बताइए, ये प्रोग्राम में कितना गाना गाए होंगे, इन लोगों का कितना गाना गाया हुआ वेब कंपनी में चढ़ा होगा, इन लोगों का प्रोग्राम में जो गाए हैं जो 10 बरिस 20 बरिस पहले का गाना है, ये वेब कंपनी में कितना गाना चढ़ा होगा। मैं मान जाऊंगा हमारा यूट्यूब पर हमारा सबसे पहले हमारा यूट्यूब पर गाना चढ़ा है, लेकिन तब भी हम मान जाएंगे कि हमारा गाना नहीं है, ये विशाल जी का गाना है, लेकिन कब मानेंगे आए, लेकिन कब मानेंगे कि जितने लोगों का प्रोग्राम में पहले गाना गाए हैं लोग, और जितने लोगों का प्रोग्राम वाला गाना है, और जितना आपके पास गायक लोग आए हैं आपके पास कैसेट बनाए हैं, ऑडियो वीडियो बना के रिलीज किए हैं, वो सारे जितना भी आपके पास वेब कंपनी में इनकम आया है, प्रॉफिट आया है, जिसका ईमानदारी से गाना है स्टेज पर, जो लोग आए ईमानदारी से उनका पैसा घर पहुंचा दीजिए कि आपके गाना गाया हुआ ये लड़का गया था, नाम भी आप कर लीजिए, नाम आपका हो गया जो गाना गाया है, लेकिन जितना आप पैसा कमाए आप इतना ईमानदारी है कि जो पहले गाएगा उसका होगा, एक शब्द आवाज निकाल दिया स्टेज पर गा दिया एक बार तो उसका होगा, तो ईमानदारी से वो पैसा पहुंचा दीजिए, श्री कमलबास कुंवर जी का, श्री अरविंद अभियंता जी का, आए मगध सम्राट सुदर्शन यादव जी का, आए विजेंद्र गिरी जी का, सारे लोग का, गायत्री ठाकुर जी का, जितने लोग का गाना है उनके घर पहुंचा दीजिए, जो लोग डेथ कर गए हैं उनके मतलब वंशज को पहुंचा दीजिए कि नहीं आपके पूर्वज का ये गाया हुआ गीत था, आए हमारे कंपनी में गाया है, उसका पैसा लौटा रहे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि नियम आप ही ने लगाया है कि ये बच्चा पहले सबसे गाना गाया है, तो जब बच्चा स्टेज पर गा दिया तो इससे आप साबित करना चाह रहे हैं कि जो बच्चा सबसे पहले गा देगा, चाहे जो व्यक्ति सबसे पहले स्टेज पर गा दिया उसका गाना हो गया है। सबसे पहले अजीत हलचल जी का गाना है, कौन फेल हुई हार्ड कार्ड छपाए से पहले सब लोग जानता है, वो लिख के दिए हैं खेसारी लाल यादव को, आप अपने कंपनी में चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए ना, तो दूसरे में मतलब कि अपना मड़ुआ में गीत भुला जाते हैं, और दूसरे के जब दूसरे की बारी आती है तो फिर मतलब वही बात। भैया बहुत ही शालीनता से हम कह रहे हैं कि एक बात है, भले आपको 2 करोड़ लोग प्यार दुलार दे रहा है, रितेश भाई आपको भी बहुत प्यार दुलार लोग दे रहा है, आए इतना समझ लीजिए, यहाँ से नहीं डरिए ना तो ऊपर वाले से डरिए। चोरी कौन नहीं करता है, सब लोग करता है, कुछ लोग बाकी होंगे हम भी चोरी करते हैं, आप भी चोरी करते हैं, सब लोग चोरी करता है, लेकिन चोरी के बाद सीनाजोरी, और सीनाजोरी के बाद आप बलाजोरी कर रहे हैं। आप गाएं, जब YouTube पर सबसे पहले तूफानी लाल यादव का शो कर रहा है कि चढ़ाया हुआ है उसी चांदा कंपनी में, आए जब हम चांदा में कहें कि भाई मेरा है तो चलने दीजिए मेरी कंपनी है, वो पिताजी उनके चलाते हैं हंसराज जी, वो कहते हैं मेरी कंपनी चलने दीजिए, लेकिन बाप कहता है चलने दीजिए, लेकिन बेटा हमको बर्बाद कर रहा है, क्यों भाई बर्बाद करा रहे हैं, उससे कोई बड़ा चीज नहीं होने वाला है, हम मर नहीं जाएंगे, हम एक जीदा जीदी से गाते हैं, शौक बन गया भाई लो प्यार दे दिया गाते हैं, नहीं तो कोई हमको वास्ता नहीं है, कोई उतना बड़ा चीज नहीं है, कभी इसके लिए बहुत ज्यादा देखे हमको सीरियस होते हुए कभी भी इतना अश्लीलता चला, सबको गाली लोग दे रहा था, कभी तूफान लाल का नाम सुने, क्यों नहीं सुने, क्योंकि तूफान लाल सबसे ज्यादा हॉट करने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि साफ सुथरा वीडियो बना के पड़ोसे, 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि साफ सुथरा वीडियो बना के पड़ोसे, कम से कम जो खराबी किए हैं हम मार्केट में उसको अच्छा में लाए, अच्छा वीडियो बना रहे हैं तो अच्छा वीडियो आ भी रहा है मार्केट में, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग सोचना चाहिए, अच्छा वीडियो जाता है, इनका वेब चैनल उठा के देखिए, मोहन राठौर इतना महंगा बनाए हैं वीडियो, अब मोहन राठौर इतना अच्छा गायक हैं
ये गोरी तोरी चुंडी वाला लाल आईडियो गाना है, उनके बाद चढ़ा, कितना व्यू गया, क्यों व्यू गया, कितना गया, कितना प्रमोशन किया गया, लेकिन मोहन राठौर इतना अच्छा गायक है, इतना अच्छा वीडियो बना के दिए, उस प्रतिभा को, उस मेहनत को आपके अंदर कदर नहीं, आप भोजपुरी का इज्जत कहाँ करते हैं, भोजपुरी में जो अच्छा करना चाहता है उसका कदर कहाँ है, इज्जत कहाँ है, आप के मतलब कि रितेश जी गाए, हम ये नहीं कह रहे कि रितेश जी को सपोर्ट करें, गलत करें, लेकिन मोहन जी को क्यों नहीं सपोर्ट हुआ, उसी उसी कंपनी में तूफान लाल यादव दिया है, स्कूटी वाली दिल्ले गुल्डे है, इतना अच्छा प्यारा वीडियो है, क्यों नहीं सपोर्ट मिला। यहाँ शोषण करना छोड़ दीजिए, उदार दिल बनिए, आप बड़े आदमी है, अरबपति खरबपति आदमी है, उदार दिल बनिए, जो अच्छे कलाकार हैं भोजपुरी में, जो अच्छा मेहनत कर रहा है उसको तो कम से कम सपोर्ट कीजिए। आए हम कंपनी मालिक से नम्र निहोरा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप हम लोग से द्वेष नहीं रखिए, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े आप लोग गायक हैं, इस गरीब को क्यों मारना चाहते हैं, आए तूफान लाल को मार के क्या मिलेगा, बोल रहे हैं मीडिया में आके कि ब्लॉक करवा दिया, ऐसे ऐसे लोग गाए थे, तो मैंने प्रूफ दिखा रहे हैं, सारा प्रूफ अभी दिखा रहे हैं कि भैया हम कब का मतलब कि कहाँ कहाँ रिलीज हुआ है, सबसे पहले यूट्यूब पर विशाल जी से और इनसे पहले रिलीज हुआ है। और रही बात, एक बात और भी बता देना चाहते हैं, सारा प्रूफ दिखाएंगे, लास्ट में भी दिखा रहे हैं कि विशाल जी ये स्टेज प्रोग्राम गाए हैं, ये भी बात है, प्रोग्राम गाए हैं, तो जब स्टेज प्रोग्राम गाए हैं, लाइव में आके कह रहे हैं कि ये मेरा गाना है, मेरा गाना है, ये मैंने कहाँ से गाना लिया, आपको मैंने बता रहा है, स्वर्गीय धरीचंद यादव मेरे गांव के थे, स्वर्गीय धरीचंद यादव मेरे गांव के थे, बीसन बरस पहले का पाना पर लिखा हुआ ये गीत, बीसन बरस पहले के पाना पर लिखा हुआ गीत ये मेरे पास उपलब्ध है। अब वो कहाँ से लाए थे, कैसे लाए थे, ये नहीं बता सकते, लेकिन बीसन बरस पहले का गाना का मतलब पाना पर लिखा हुआ गीत है, वो खुद उनका मतलब खुद गाते थे, तो हम लोग भी मतलब कि उनके गाँव के रहने वाले हैं, वो मतलब देहांत कर गए हैं, तो आप भी जानते हैं कि पहले जो नाम वाले नहीं रहेंगे तो मतलब नेट फेट पर नहीं आता है, तो हम ये कहना चाहते हैं, हम मैंने वहाँ से लिया, लेकिन आपने कहाँ से लिया ये गीत, आपने कहाँ से लिया, आपने कहा कि मेरा गीत है, आए आप अच्छे कलाकार हैं भाई, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम गुरु का कदर कीजिए, आपके गुरु विजय लाल यादव जी, मैंने बात किया इस गीत के विषय में तो हमको भोजपुरिया ठेकेदार नथुनी यादव जी हमको बताएं कि बाबू ये गीत ऐसे ऐसे लिया गया है, इस विषय में मैंने भोजपुरिया का अरुण सिंह से भी बात किया, तो वो भी कहें कि नहीं मतलब कि आपका जो बात है आप सफाई रखिए, हम कहें ठीक है, बहुत लोगों से बात किया, तो नथुनी भैया हमको ये बताएं कि ये विजय लाल यादव जी डायरी कहाँ जी कविता कौन है, एक और कोई लेडीज और सिंगर थी, आए कोई और लेडीज सिंगर थी विजय लाल यादव जी, श्री विजय लाल यादव जी हम लोग गुरु तुल्य हैं, आप भोजपुरी के विधा के सम्राट रह चुके हैं, तो उनका गाया हुआ गीत मुंबई के स्टेज शो पर है, उनके बताए कथनी के अनुसार वो कहे कि श्री वो थे क्या नाम है उनका सुभाष पासी जी, श्री सुभाष पासी जी जब स्टेज पर गाए थे विजय लाल यादव जी मुंबई के प्रोग्राम में आज से 20 साल पहले, तो वहीं पर वो रिकॉर्ड करके टी सीरीज को दिए थे, तो जब आपके गुरु का गाया हुआ गीत है, आए आज आप मीडिया में आ करके दो इंटरव्यू का प्रूफ है हमारे पास कि आप बोलते हैं कि मेरा गीत है, रितेश जी बोलते हैं कि भाई का गीत है मैंने गा दिया, आए कम से कम गुरु का कदर कीजिए, गुरु को बोलिए कि गुरु जी का गीत है मैंने गाया था बचपन में, लेकिन गीत किसका है, गुरु जी का है, विजय लाल यादव जी को श्रेय दीजिए, उनको नहीं मारिए, अपने गुरु का गर्दन नहीं काटिए, आए कहिए कि हाँ हमारे माननीय श्री विजय लाल यादव जी जो हमारे गुरु रह चुके हैं उनका गीत है, इस तरह बोलिए, अच्छा लगेगा, क्यों कहते हैं कि मेरा गीत है, आपने गाया है बचपन में गाया है गीत, आपका तो बहुत किस्मत अच्छा है कि इधर आपका मतलब कि हम देखे एक सप्ताह पहले ना टिकटॉक पर आपका बहुत चल रहा था, हम लोग बहुत खुशी हुआ, आप एक अच्छे कलाकार हैं, हम लोग भी बहुत खुशी हुआ, लेकिन आपका फोन आया था, लड़का बता रहे थे कि आपसे कुछ आप भी बोले वो भी बोला, आप शब्द आप लोग बात किए विशाल दुबे जी और सोनू नाम के लड़के हैं, तो मैंने उनको डांटा भी कि नहीं इस तरह नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे एक तो पहले ब्राह्मण परिवार के हैं, आप अपशब्द क्यों बोले, हम लोग के पूर्वज हमारे बाबा हो गए बाबू हो गए ब्राह्मण जो भी रहते हैं छोटे बच्चे भी रहते हैं तभी हम लोग का संस्कार में गोड़ लगाते हैं बाबा हम लोग कहते हैं, तो उनसे क्यों मतलब ऐसे बोल रहे हैं अनबन क्यों बोल रहे हैं, तो हम आपसे यही निहोरा करना चाहेंगे, शेयर थोड़ा कर दीजिए, शेयर करिए, शेयर ऐसा करिए कि हमारा जो मैसेज है सब तक पहुँच जाए, हमारा मैसेज ये नहीं है कि रितेश जी को ये क्या नाम है
विशाल दुबे जी को टारगेट करना, नहीं, हमारा मैसेज है कि ए भोजपुरी के बादशाह कंपनी, वेब कंपनी, कम से कम उदार दिल बनिए। हम आपके कंपनी के लिए भी गाते हैं, आपके पिताजी के कंपनी, आपका भी पिताजी का पैसा आता होगा तो आपके पास भी आ रहा है, आप भी हिस्सेदार हैं उसके, आए तो आपके कंपनी से, तो कम से कम हमको जीने दीजिए, हमको क्यों मार रहे हैं, आए हम तो इसी तरह उतना गाना नहीं गाते हैं, बहुत कम छोड़ा करते हैं, इधर छोड़ते हैं तो साफ सुथरा छोड़ते हैं, और साफ सुथरा छोड़ने का नतीजा है कि जो हमारे हॉट वाले श्रोता हैं कम हो गए हैं, तो कम से कम हम अपना छवि बना रहे हैं, एक भोजपुरी में अच्छा पहचान बनाना चाहते हैं, तो हमको अच्छा पहचान बनाने दीजिए, हमको नहीं मारिए, हमको अच्छा पहचान बनाने दीजिए कि एक भोजपुरी में ये हो जाए कि अंगुली माल डाकू थे तो उनको भी चांस दिया गया था, आए गर्दन काटा करते थे, हम तो आपका गर्दन नहीं काटे हैं। वो गाना सबसे पहले नेट पर रिलीज हुआ, यूट्यूब पर रिलीज हुआ मेरा, तब पर भी हम कुछ नहीं कहते हैं। मान लीजिए आप स्टेज पर गाए हैं, आए आप स्टेज पर गाए हैं, तो स्टेज पर गाए हैं तो कहिए कि विजय लाल यादव जी भी आपसे पहले स्टेज पर गाए हैं, उनका प्रूफ है टी सीरीज से, तो टी सीरीज नहीं स्ट्राइक मार रहा है, टी सीरीज नहीं बैन कर रहा है, आप बीच में आके बैन करने लग रहे हैं। रितेश भाई बहुत आगे बढ़ गए पीवा से पहले से, हम लोग को द्वेष नहीं है, लेकिन पीवा से पहले से द्वेष बढ़ गए। गोलू गाए, आए हम लोग के भाई है गोलू, गोलू गाए भतरू से पहले, आप गाए पीवा से पहले, तो वो भी चलता, आप भी चलते, आप भी उस समय वेब कंपनी आपने उसको स्ट्राइक मार दिया, गाना को ब्लॉक कर दिया, आए वो बेचारे का गाना ब्लॉक हो गया, आए रितेश भाई का मिलियन में व्यू चला गया, करोड़ों अरबों में चला गया, तो करोड़ों अरबों में जा रहा है तो उसका श्रेय आप दे रहे हैं गुल्लू को, नहीं ना दे रहे हैं। फिर हम बात किए तो वो बोले, राहुल बोल रहे हैं कि हम लोग का ट्रैक मैच कर रहा है, जिसको हम लोग के बहुत अच्छे कलाकार हैं श्री रिंकू ओझा जी, जिसको गाए थे साल भर पहले, उन्हीं का ट्रैक था, साल भर पिछवा घुमाई देलू फिर अंगूठा दिखाई देलू, बहुत गाना चला था। लेकिन ए मेरे वेब कंपनी के शहंशाह, इतना तो रहम कीजिए कि गोलू पर स्ट्राइक मारे, आपने कभी सोचा कि ये ट्यून कहाँ से है? आपसे एक साल पहले SRK म्यूजिक में रिलीज हुआ है ट्यून, तो क्या आप उसको श्रेय देंगे? तो जब आपकी बात बारी आती है तो आप गलत करते हैं, तो आप अपने गलत को सही बना लेंगे और दूसरे को सही को गलत बना दे रहे हैं। हम में गलती है तो हमारे गलती को सही नहीं बनाएंगे, हमारे सही को गलती बना रहे हैं, आप अपने गलत को सही बना रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं कीजिए इस तरह, सब आपके लिए प्यार दुलार देते हैं। कौन इधर इंडस्ट्री का लोग है कि वेब कंपनी से नहीं जुड़ना चाहता है, नहीं काम किया है? गौतम भी स्वर्गीय माननीय, हमारे स्वर्गीय श्री गौतम जी भी हमारे कंपनी मालिक थे, कुमार गौतम जी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया, जबरी नहीं किया, एक बार कहने पर वो सुन लेते थे कि ऐसा बात है तो ठीक है बाबू, बुला लेते थे कि हाँ आपका गाना है, ऐसे ऐसे कुछ भी, उस समय भी पांगा हर समय होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी मालिक है, आप में अगर गाए हैं विशाल दुबे तो आपका राइट बनता है कि आप किसी और सिंगर से रितेश जी से गवा सकते हैं, आपका गाना है, लेकिन उससे पहले मैंने भी आप ही के कंपनी में रिलीज किया है चंदा कंपनी में, उसको भी तो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने जब आपके साथ पांगा नहीं किया, पहले का रिलीज किया हुआ, तो फिर आप क्यों हमको ब्लॉक करें? तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड पर ब्लॉक कर दिए, अर्नव फिल्म पर स्ट्राइक मार दिए, ब्लॉक कर दिए, चित्रा फिल्म पर स्ट्राइक मार ब्लॉक किए हैं, तो इस तरह क्यों कर रहे हैं? इससे क्या मिल जाएगा आपको? अब हम प्रूफ दिखा रहे हैं, कहाँ गाना बाबू, व्हाट्सएप खुले तो हम प्रूफ दिखा रहे हैं, क्या क्या है, कब का है, नेट ऑफ कर दिए क्या है? ना, नेट ऑफ नहीं ना है, आप वो गाना बजाइए, वो नेट खोल के गोरी तुरी चुनरी वाला लाल चांदा वाला जू के बॉक्स वाला निकालिए, ये देखिए, ये कहाँ गया, ये अपने आईडी से मैंने ला रहे हैं, अभी दिखा रहे, ये देखिए, ये आईडी दिखाई दे रहा है आपको, ये पलंग के रंगबाज कैसेट था, आए तूफान लाल यादव लिखा हुआ है, तूफान लाल यादव, और इसमें अर्नव फिल्म लिखा हुआ है, ये डेट देखिए, तूफान लाल यादव से शेयर हुआ है, शेयर किए हैं पोस्ट, ये 30 मई 2015 में पलंग के रंगबाज आप लोग के कैसन लागल, मतलब इससे पहले हम रिलीज किए हैं, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि पलंग के रंगबाज आप लोग को कैसा लगा, हैं
देखिए यहाँ पर डेट दिखाई दे रहा है ना, कहे धुधुरा तब हो तुहु का धोखा देव। देखिए पलंग के रंगबाज डेट दिखाई दे रहा है मई, 30 मई को 2015 में ये मैंने शेयर किया है, ये 30 मई 2015 को शेयर किया है मैंने अपने आईडी से, तूफान लल यादव से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कंपनी का कहाँ गया, देखिए कितना लोग शेयर किए हैं। यहाँ पर एक गोलू शर्मा जी हैं, हाँ गोलू शर्मा जी ये भी शेयर किए हुए हैं 14 मई 2015 को। ये देखिए कोई इंडिकेट करने वाला चीज़ है, कोई पेन उन है दीजिए, इंडिकेट करने वाली चीज़ कोई दीजिए। पलंग के रंगबाज था कैसेट का नाम, इसके बाद हुआ आप लोग के बीच में इसलिए रखना चाहते हैं कि गायक नायक नेता अभिनेता आए सबका श्रेय जाता है किसके पास, तो श्रेय जाता है जनता, जनता के माध्यम से सब लोग निर्भर, जनता पर निर्भर है। ये यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए 14 मई 2015 दिखाई दे रहा है, हैं ये हैं गोलू शर्मा जी इसको शेयर किए हैं। अर्नव फिल्म वाले देखिए शेयर किए हैं, अर्नव फिल्म वाले भी इसको शेयर किए हैं। काने गुलो ये देखिए 17 मई को भोज चलो ना, ये देखिए ये कितना है, ये बिहार वेब .in वाले 15 मई 2015 को शेयर किए हैं पलंग के रंगबाज, पलंग के रंगबाज 15 मई 2015 ये रिलीज हुआ। गाना निकली और दिखा रहे हैं, एक मिनट लाइन पर रहिएगा। दीजिए हुआ कनेक्ट हुआ, अपने काट क्यों दिया भाई, रुक जी आप ब्लूटूथ ऑन किए हैं, एक मिनट। ये रहा देखिए, ये रहा बक्सर के रंगबाज, ये जब चांदा में आया, ये जब चंदा में आया है, इसमें 9 गाने थे, इसमें डेट देख लीजिए, ये कहिए पब्लिक है, ये क्या हुआ, ये चंदा कंपनी से है बक्सर के रंगबाज, वो बंद करिए अभी साउंड कम करिए, बक्सर के रंगबाज उसी पलंग के रंगबाज, कोई यूट्यूब पर चढ़ाने का साधन उस समय अर्नव जी के पास नहीं था, बक्सर के रंगबाज से चढ़ा चंदा कंपनी में। ये देखिए बक्सर के रंगबाज, ये आता है पब्लिक है 16 जून 2016 को, कितना है 16 जून 2016 को, 15 में हम पोस्टर दिखा दिए, 16 में यूट्यूब पर भी दिखा दिए, अब गाना बजा कर दिखा दे रहे हैं, इसमें 2 नंबर पर गाना है, इसमें रुक जी ये देखिए, ये 2 नंबर पर रुक जी, 2 नंबर पर ये दिखाई दे रहा है, गोरी तोरी चुनरी व लाल लाल, गोरी ना लिखा है तोरी चुनरी लाल लाल, ये वाला पिन कहाँ गया, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा है तोरी चुनरी लाल लाल दिया है, तोरी चुनरी लाल लाल ये दूसरे नंबर पर गाना है। अब इसको हम बजाते हैं, साउंड दीजिए, ये दूसरे नंबर पर है, भगाएंगे तब बजेगा, हॉरर मूवी ना देखबू तो हम नहीं क्या करीजे, हॉरर मूवी ना देखबू, देखिए साउंड दी, देखिए यहाँ चल रहा है, देखिए ये
कौन ये रमेश में अरे चल रहा है देखाओ तो बाबू ये देखिए साइन भी टिक भी आ रहा है देखिए यही गाना चल रहा है यही गाना है की गोरी तोरी चुनरी पर लाल लाल रे जवानी कल जवान में कर लूं पढ़ाई लड़का में हो लड़ाई जवानी कल जवान में कर लूं पढ़ाई लड़का में हो लड़ाई अब ये रहा ये गाना बजा के भी सुना दिए इस डेट से पहले वेव कंपनी में कोई गाना रिलीज गोरी तोरी चुनरी वाला लाल नहीं हुआ है ये डेट जो दिखाए जबकि इससे पहले का मैंने पोस्टर दिखाया अर्नव फिल्म में जब उनके पास व्यवस्था नहीं था गाना छोड़ने के लिए यूट्यूब पर है तो उस समय का मतलब पोस्टर भी दिखाएँ शेयर किया हुआ भी दिखाएँ और भी सारा प्रूफ है बहुत सारा प्रूफ है और मेरे पास प्रूफ है 20 साल पहले का धरीचंद यादव जी का उसको उस पाने को जो चाहते हैं मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम विवाद कर रहे हैं ये कर रहे हैं टेंशन का हमको कोई टेंशन नहीं बशर्ते हमको इतना ही दुख है कि कम से कम हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमको आप क्यों कर रहे हैं जब हम मैंने आपको कुछ नहीं दोष दिया तो आप क्यों दे रहे हैं हैं मैंने आपको चोर नहीं कहा था आपने मुझे चोर क्यों कहा हैं जबकि आप मतलब कि 20 साल पहले का पन्ना पर लिखा हुआ वो गाना है ले जाएंगे तो ऐसा मतलब कि इतना टेक्निकली रूप से विकसित हो चुका है हमारा भारत उसको DNA चेक कराएंगे ना तो पता चल जाएगा कि कितने वर्ष पहले का पन्ना है हैं वो है पन्ना है तो उसके बाद क्या कि विशाल जी रितेश जी हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग कभी मत कहिए कि मेरा गाना है आप लोग के पास प्रूफ है बचपना का वही ना प्रूफ दिखा रहे हैं कि मेरा गाना है आए तो उस प्रूफ के तहत भी अगर आपका गाना होगा तो आपका गाना हम उसी दिन मानेंगे उस प्रूफ के तहत कि जिस दिन सारे जितने नारदी कलाकार हैं मोटकी गाने वाले कलाकार हैं सारे बिरहा में जितने लोग गाने वाले स्वर्गीय बुल्लू यादव जी आए तमाम लोग बिरहा के गायक रह चुके हैं तो सारे लोगों का गाया हुआ गाना नारदी कलाकार का गाया हुआ गाना आप जितने लोग वेब कंपनी गाए हैं सारा जितना इनकम है उनके घर लौटा दीजिए उस दिन मानेंगे कि वो आपका गाना हो गया लेकिन उस दिन भी नहीं मानेंगे क्यों क्योंकि प्रूफ के तहत भी विजयलाल यादव गुरुजी आपसे पहले गाए हैं स्टेज पर उसी मुंबई के स्टेज पर जिस बात को हमारे नथुनी भैया हमको बताएं कि ऐसा ऐसा बात है बाबू उस गीत की यही सच्चाई है तो जब आपके विजयलाल यादव जी गाए हैं तो आप खुल के कहिए कि हमारे गुरु जी का गीत है विजयलाल यादव जी का सम्मान कीजिए हैं उस महान हस्ती का सम्मान कीजिए जिनमें दिनेश भैया एक गाना गा करके आज दिनेश भैया हैं तो कम से कम विजयलाल यादव जी गुरुजी हैं तो वैसे शख्स को सम्मान दीजिए
आ कहिए कि गुरुजी का गीत है, आए उनके मुंह पर कहेंगे कि गुरुजी आपका गीत है, लेकिन मीडिया के सामने आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं कि मेरा गीत है, चोरी हो रहा है, ऐसे नहीं कहिए। गुरु का सम्मान कीजिए, हम भी आपके भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। किसी भी कभी भी हम कोई गायक से द्वेष नहीं किए होंगे, जितने भी इंडस्ट्री में गायक हैं, जो भी पहले से इंडस्ट्री में जान रहे हैं कि कलाकारों के लिए तूफान लाल जब बिक्की बोस के नाम से थे तो कितना काम किए हैं। पंकज सर, पंकज सर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। किस स्थिति में थे तब पर भी वहीं, आज नाम नहीं खोलना चाह रहे हैं, नाम खोल रहे हैं, वहीं राकेश मिश्रा थे, आए वहीं राकेश मिश्रा थे, किस स्थिति में थे, कहां से उनको कहां पहुंचाए, आए जो वो स्थिति में थे वो हमको उस स्थिति में छोड़ के हो गए थे, हम अच्छा से बुरा बन गए थे, बुरा स्थिति में आ गए थे। लेकिन इससे नहीं फर्क पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता है, हम एक ही चीज जानते हैं कि सबसे बड़ा हाथ किसका है जो इस पूरा सृष्टि को चला रहा है, वो भी एक शक्ति है, उससे डरिए कम से कम। जो चोरी है तो चोरी है तो उसको चोरी करके भी सीना चोरी नहीं कीजिए, आप उससे डरिए, ऊपर वाले से डरिए। हम एक ही बात कहें कि वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के, लेता है तो कहाँ कहाँ से फाड़ता है वो सबको मालूम है। तो उस पर मैंने विश्वास रखा, ऊपर वाले पर विश्वास रखा, माँ सरस्वती पर विश्वास रखा। इस बिक्की बोस को हलो बोलने नहीं आता था, हैं, लेकिन माँ का कृपा रहा, ऊपर वाले का कृपा रहा, तूफानी लाल बना करके रोजी रोटी दे दिए महाराज। लेकिन आज के डेट में इस इंडस्ट्री से रोजी रोटी ले लेना बहुत बड़ा चीज़ है, जिसको गायकी का कख का ज्ञान नहीं था। माता रानी ऊपर वाले ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि इस लायक हैं। अब भाई लोग प्यार दुलार देते हैं, भाई लोग प्यार दुलार देते हैं कि आज मतलब कि ये दिनचर्या हो गई है गाना बजाना गाना। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 100 बात का एक बात में हम कहना चाहेंगे कि अगर में सागर भरना चाहेंगे कि YouTube पर वेब कंपनी में जो भी गाना रिलीज हुआ है, चाहे रितेश जी का हो चाहे विशाल दुबे जी का हो, उनसे पहले बहुत ही शालीनता से मैं बताना चाहता हूँ कि उनसे पहले मेरा वो गाना चंदा कंपनी में रिलीज हुआ है, जूके बॉक्स में, बक्सर के रंगबाज के नाम से। हाँ ये बात रहा कि वो बात मतलब रहा कि फिर दोबारा रिलीज किए हैं, दोबारा कोई भी रिलीज करेगा जिसका गाना पहले गाया है तो सबके अंदर, किसके अंदर लालच नहीं है, किसके अंदर लोभ नहीं है। हजारों लोग नया नया गा दिए, तूफान लाल पहले से गाया है फिर अपलोड कर दिया तो कोई गुनाह कर दिया, कत्ल कर दिया, नहीं ना कत्ल किया। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कम से कम तूफानी पर रहम कीजिए, मेरे वेब कंपनी के माननीय दिनेश सर, इसलिए रहम कीजिए कि आप तो गजब के भाई पागल आदमी है जी, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो दिनेश सर से हम यही कहना चाहेंगे कि आप इतना ही हम लोग पर रहम कीजिए कि आपके लिए जो तूफानी समय दिया है, चंदा भी आप ही का है, आपके लिए जितना तूफानी समय दे दिया है, हमको बताइए कि वेब में चाहे चंदा में कौन सिंगर उतना समय दिया है। हमको लगता है कि सबसे ज्यादा चंदा में समय मैंने दिया है जिंदगी का, तो उस नाते भी कम से कम रहम करिए। सही गलत तो होता रहता है, क्या सही है क्या गलत है, आए क्यों मारना चाहते हैं गरीब को, गरीब को नहीं मारिए, जीने दीजिए, आए काम आएगा, कहल जाला कि तीन को काम आवेला, आए गाँव के खरो भूस काम आवेला। तो हम ये इंडस्ट्री एक बाइए सरकार रउरा जानत हैं, दिनेश सर जान रहे हैं, दिनेश सर के पास राकेश मिश्रा को जब बिक्की बोस था तो सबसे पहले सोनोटेक में मैंने लेके गया था, इनके बुलाने पर गया था, हैं दिनेश सर हर चीज़ जान रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री के लिए इतना समय दिया है तो कम से कम उस पर रहम खाइए, नहीं बर्बाद कीजिए। हाँ कंपनी का अधिकार है कि आप में पहले गाए हैं तो आप और सिंगर से गवा सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन ये कहाँ का अधिकार है कि आप उसका कागज पत्र बना लेंगे, आप लीगल रूप से मजबूत हैं, आपकी बड़ी कंपनी है तो छोटे सिंगरों को मार डालेंगे। हैं भतरू से पहले मैं इसी तरह किए, हैं इसमें भी हमको मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, नहीं मारने मारिए, जीने दीजिए, हैं और नहीं तो हम तो विश्वास बस यही करते हैं ऊपर वाले पर, जिंदगी उन्हीं के भरोसे है, क्योंकि हमारे जेहन में हमेशा चलता है कि ये शरीर जो है ये नश्वर है, ये एक दिन राख हो जाएगा या सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगा। तो ज़्यादा क्या हम सोचें, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बस इतना ही सोचते हैं कि ये नश्वर शरीर है, आज है शरीर कल नहीं रहेगा, किस घाट पर लगेगा कोई नहीं जानता है। तो हम आपसे भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अरबपति हैं खरबपति हैं नील पदुम में जाइए, लेकिन ऐसे कलाकारों को दिल नहीं दुखाइए। ऐसे ऐसे भोजपुरी कलाकार कितना रो रहे हैं, आप उनका रोना सुन लेंगे ना तो ये सब मतलब गलत जो भी हो रहा है इस पर रोक लगा देंगे।
लेकिन आपके पास शायद आवाज़ नहीं पहुंच पाता होगा, क्योंकि पास आपके पास ऐसे ऐसे स्टाफ हैं कि सही को गलत बनाना, गलत को सही बनाना उन लोग का दिन रात का वही काम है। हैं, हम एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप में जितने लोग अच्छे अच्छे वीडियो बना के दे रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करके दे रहे हैं, उन लोग को सपोर्ट करना चालू कीजिए। हैं कि कम से कम इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री को सब कहता है अश्लील हो गया, हैं अश्लील हो रहा है, लेकिन जो अच्छा वीडियो बना रहा है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसका रिकवरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, मजबूरी में क्या करेगा, वहीं आ जाएगा। तो ये मेरे वेब कंपनी के मालिक, ये भगवान इंडस्ट्री के, जो 2 करोड़ लोगों का प्यार दुलार लेके बैठे हुए हैं, जैसे मोदी जी को पद दिया है उस तरह भोजपुरी में आपको पद दिया गया, 2 करोड़ लोगों ने मत दिया है आपको, तो कम से कम उस 2 करोड़ लोगों का लाज रखिए। आज जो अच्छा गायक मोहन जी गाए हैं आप में, 4 लाख 5 लाख में अटके हुए हैं इतना अच्छा वीडियो लेके, मोहन जी से अब उनका बड़ाई क्या करे, कितना अच्छा गाते हैं, लेकिन आप उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियो को, अच्छे अच्छे गायकों को नहीं सपोर्ट है। हैं, जो कितना दिन, वर्षों पुराना गीत है, हैं उस गीत को इतना प्रमोट किया जा रहा है, और प्रमोट के लिए ये किया जा रहा है कि जो और पहले का भी गाना है उसको बलिदान कर दो, उसको कुर्बान कर दो, तो हम ही दिखाई दिए आपको कुर्बान करने के लिए, तूफानी को कुर्बान कर दो, हम तो इसी तरह कुर्बान है। आप कह दीजिए कि छोड़ दें इंडस्ट्री, हम छोड़ देंगे महाराज लेके, जब इतना बड़ा बड़ा हस्ती जब पीछे लग जाएगा बर्बाद करने के लिए, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहीं रहेंगे? आप कह दीजिए कि तूफानी तू गाना छोड़ दो, हम गाना छोड़ देंगे, किस चीज़ से हमसे क्या डर है, हम कोई अच्छा गायक हैं, हमसे क्यों आप लोग क्या दिक्कत आता है, हम क्या आप लोग बाधा पहुँचाते हैं, हम तो एक वीडियो बना के मेरा पहचान बन गया था कि तूफानी हॉट वीडियो बनाता है, जब हॉट वीडियो छोड़ करके हम अच्छा गीत गा के गायक के रूप में स्थापित होना चाहते हैं, आए मतलब कि हम अच्छा अच्छा इधर गीत गा रहे हैं, 2 साल से प्रयास कर रहे हैं कि किसिंग सीन ना करें, तो जो अच्छा छवि बनाना चाह रहा है उसको अच्छा छवि बनाने दीजिए, बाधा नहीं बनिए, बीच में रोड़ा नहीं बनिए, ब्रेकर नहीं बनिए। तो मेरे वेब कंपनी के आप मालिक हैं, बहुत भगवान दाखिल हैं, गौतम जी इतना कलाकारों को उत्पन्न किया, इतना लोगों को प्यार दुलार दिया, किसको नहीं गौतम जी ने प्यार दुलार दिया, पवन जी को नहीं दिया, कल्लू जी को नहीं दिया, सनी कुमार सनिया जी को नहीं दिया, किसको नहीं उन्होंने दिया, इतना अच्छे अच्छे कलाकारों को प्रमोट किया हमारे स्वर्गीय श्री गौतम सर ने, आप भी प्रमोट कीजिए, बर्बाद नहीं होने दीजिए। हम मान रहे हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, हम जान भी रहे हैं इस चीज़ को, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आपके मंत्रीगण जो अगल बगल है ना, उन लोग के माथा में पटाऊ सिंड्रोम घुस गया है, उन लोग को बोलिए कि जो सही है उसको सही करो, आप पर्सनल हर सिंगर का पर्सनल बन के पर्सनल बनो, लेकिन पर्सनल बन के किसी और अदर सिंगर का वध मत करो, उसको कुर्बानी नहीं चढ़ाओ। तो सब भाई लोग से यही नहीं हो रहा है कि इस मैसेज को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सब भोजपुरिया समाज सुने, अगर सही निर्णय मतलब कि हमारा है, हम अपना सफाई दिए हैं, और भी हमारे पास प्रूफ है जो समय आने पर दिखाएंगे, ये गाना एक प्रूफ और भी बता दे रहे हैं, ये गाना सिम्फनी स्टूडियो है, रंजे बावला जी हैं हमारे संगीतकार, और शंकर भैया थे उस समय, शंकर भैया का अलग स्टूडियो नहीं था, एक ही साथ थे शंकर सिंह जी और रंजे बावला जी, वहीं पर प्रोजेक्ट हुआ था, अर्णव फिल्म थे, अर्णव सिंह जी थे, उनके माध्यम से हमारे अंजनी रमग्या जी थे एक साथ, वो भी रहते थे, इस समय अलग बजाते हैं, उस समय एक साथ टीम था, अंजनी रमग्या जी, बुचुल भैया, रतन भैया, मुन्ना बर्मन जी, हमारे बाघ भैया थे, हमारे बाघ भैया थे धर्मेंद्र यादव उर्फ बाघ भाई, जो झाल बजाते हैं, कोरस करते हैं, आए तो वो भी थे। तो ये सारे लोग से आप फोन लगा के पूछ सकते हैं कि ये सही बात है, उस समय रिकॉर्ड हुआ था, और स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग जब हुआ वो भी देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कब का गाना गाया हुआ है, कब विजय लाल गुरु जी गाएँ, कब हमारे स्वर्गीय ये धरीचन यादव जी कब गाते थे, विजय लाल यादव गुरु जी कब गाएँ, फिर आपने कब गया, फिर आपने आज से 3-4 साल पहले 2 साल पहले आपका कैसेट आया है, तो इतना दिन पहले कोई लफड़ा नहीं, कोई तूफानी पर क्लेम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं, लेकिन रितेश जी का गाना रिलीज हुआ तो क्यों बाधा आ गया, इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, आखिर रितेश जी का गाना रिलीज होते सब पर ब्लॉक क्यों मारा जा रहा है, यानी कि एक दूसरे का मुंह बंद करके, एक दूसरे के सिंगर को बाधित करके तब उनको प्रमोट कर रहे हैं आप लोग। तो कह दीजिए कि सब सिंगर जाके कुआं में कूद जाओ भाई, सब सिंगर को मर्डर करवा दीजिए, सब सिंगर को मर्डर करवा दीजिए, गर्दन टिपवा दीजिए, उसका जुबान कटवा दीजिए, गाएगा नहीं, एक रितेश जी को लेके आ गवाइएगा।
महाराज लेके आपके लिए सब आपको भगवान मानता है, हैं आप ऐसे करते हैं ना इंसाफी। कम से कम ऐसा कीजिए कि इंडस्ट्री चले, हैं ऐसा कीजिए कि इंडस्ट्री चले, इंडस्ट्री में लोग जिंदा रहें। ऐसा नहीं करिए कि भूचाल आ जाए इंडस्ट्री में। अत्याचार होता है ना, जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाता है ना तो उसके बाद परलय आता है। अब किस रूप में कौन किसके माध्यम से कैसे परलय आएगा, इसी तरह आए इसी तरह होता रहा ना तो आगे दिन आने वाले में क्या क्या होगा आप उसका आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। दो करोड़ लोगों ने आपको प्यार दुलार दिया है, हैं और 2 करोड़ लोगों ने मार ले कि इसी जनता के बल पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर हैं और उसी जनता के बल पर आपको केवल टच अंगुरिया से टच कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया तो आप 2 करोड़ के मालिक हो गए हैं। तो आप समझ रहे कि हम ही मालिक हैं। उस जिस दिन टच करके हटने लगे, आपसे हटने लगे ये कितना भी अच्छा गाना है ऐसे आदमी हटने लगे, क्या कीजिएगा? जनता का मूड नहीं आप जानते हैं। तो इसलिए जनरल आदमी को कष्ट नहीं दीजिए, दुख नहीं दीजिए, और भी गायकों को बढ़ने दीजिए, अच्छे अच्छे कलाकारों को प्रमोट कीजिए, आपसे यही निवेदन है। आए आ गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, अभी चंदा पचाड़ा है, हमारा ब्लॉक है, आपसे निहोरा है कि हमारा भी ब्लॉक किए हैं तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड वाला, उसको भी हटा दीजिए। आए तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड वाला हटा दीजिए भाई, अरनौ पर से हटा दीजिए, बेचारा पैसा लगाया उस प्रोजेक्ट में 2015 का, उसका पैसा लगाया हुआ, उसको हटा दीजिए। कम से कम कितना वो व्यू लेगा अगला, हम कितना व्यू ले लेंगे? आपके पास 2 करोड़ कनेक्ट हैं लोग, हम लोग के पास 2000 कनेक्ट हैं लोग, तो इतना कम से कम रहम कीजिए कि वो सब ब्लॉक हटाइए। और नहीं तो आपको लगता होगा कि आपको ब्लॉक करने आता है, आपको स्ट्राइक मारने आता है, तो आप ही बताइए कि टेक्निकल चीज़ है ये, टेक्निकल चीज़ है, स्ट्राइक किसको नहीं मारने आएगा? ऐसा हजारों गाना है आपके पास, ऐसा हजारों गाना है कि जो प्रूफ हो जाएगा नारदी कलाकारों से, कमलबास कुंवर जी से, अरविंद अभियंता जी से, सारे लोग का स्वर्गीय गुड्डू साहनी जी से, विजेंद्र गिरी जी से, सारे लोग से प्रूफ हो जाएगा कि उनका गाना गाया हुआ प्रोग्राम में का गीत आपने अपने चैनल पर चढ़ाया है, गवाया है, तो आप पर उसका गीत लेकर के उतना दिन पहले का राइट लेकर के आप पर स्ट्राइक मारने लगे लोग, तो आपको कैसा लगेगा? आपका ब्लॉक करने लगे आपको कैसा लगेगा? वही सब चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होने दीजिए। उथाल पुथल मत करवाइए इंडस्ट्री को, आए परले मत लाइए, इंडस्ट्री चल रही है चलने दीजिए। और जो अच्छा वीडियो बना रहा है, जो अच्छा सॉन्ग गा रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़े। आए ऐसा मत कीजिए कि केवल आप हरियाणा के हैं, आपका हम लोग इज्जत करते हैं कि भोजपुरी में आए हैं, तो कम से कम भोजपुरी से केवल पैसा लेकर नहीं जाइए, भोजपुरी के जो सम्मान के लिए गीत गा रहा है उसको प्रमोशन में लगाइए, उसको आगे बढ़ाइए। आपका भी भोजपुरी का भोजपुरिया लोग कर्तव्य आप पालन किए, आपको प्यार दुलार सबसे ज़्यादा दिए हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप भोजपुरी में जो अच्छा गाना आ रहा है, जो अच्छा वीडियो बन रहा है, तो उसका भी जो सामाजिक गीत आ रहा है उसको जी जान से आप प्रमोशन करिए कि ताकि लोगों के पास हर गीत पहुँच पाए। हैं मुँह देखावल काम और संबंध पर काम मत कीजिए। हैं जिसका अच्छा आवाज़ है, जिसका अच्छा एक्टिंग है, उसको प्रमोट कीजिए। हाँ माता रानी कृपा कर दी ना दिनेश सर, माता रानी कृपा कर दी तो कब मतलब कि राजा रंक बनता है, आए राजा रंक कब बन जाएगा, रंक राजा कब बन जाएगा, कोई नहीं नसीब में जानता है, कोई किसी को नहीं जानता है कब किसका क्या होगा, समय से डरिए। हैं और सच्चाई जो है उसको सपोर्ट कीजिए। तो सब भाई से निहोरा यही करेंगे कि इस बीच में फिर मतलब कि हमको रितेश भाई से, विशाल भाई से कोई द्वेष नहीं है, ये सर से, दिनेश सर से कोई द्वेष नहीं, हम तो आपके कंपनी में हैं, हमारा तो जीवन आपके कंपनी में लग गया है, चंदा कंपनी में, आप ही की वो भी कंपनी है, जीवन लग गया है, आपसे क्या द्वेष होगा? लेकिन यहाँ दुख पहुँचता है, यहाँ दुख पहुँचता है किसी के साथ अन्याय होता है तो कम से कम जो पहले का सबसे पहले यूट्यूब पर मेरा गीत आपके आप ही कंपनी में चढ़ा है, हमारे बाद आप वेब में चढ़ाए हैं, तो कम से कम हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप भी कुछ नहीं कीजिए। हैं हम कुछ नहीं लाइव आके बोल रहे हैं, आपके कलाकार आके बोल रहे हैं मैंने ब्लॉक करवा दिया, बहुत लोग आए थे ऐसे किए थे वैसे किए थे, मत कीजिए। अगर एक प्रोग्राम से लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहते हैं कि अगर एक प्रोग्राम से राइट बन जा रहा है कि जो प्रोग्राम में एक बार गा देगा गीत उसी का गीत हो जाएगा, तो ऐसे हजारों गीत है कि जो आपके कंपनी में रिलीज है, तो अगर ये नियम चलाना है कि जो प्रोग्राम में गा दिया, जो अपने मुंह से एक बार गा के मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर दिया, तो वो उसका गीत रहेगा, हैं वो उसका गीत रहेगा,
तो हमको ये बताइए कि जब ये नियम लागू करना है तो लागू कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, सारे कलाकार के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पहले से जितना कलाकार हमारे बिरहा के कलाकार हो, चाहे नारदी कलाकार हो जो दुगोला वाले कहलाते हैं, तो सारे लोगों का गाना पर जितना भी आपके कंपनी में गाया है गाना है, जितना भी उससे अर्निंग आया है, वो सारा इनकम लौटा दीजिए उन लोगों के घर, कि उन लोगों के बाल बच्चा खुश रहे कि नहीं हमारे पिताजी का गीत गाया हुआ था। अब ऐसा नियम हमारे वेब कंपनी ने आकर, इतना उदार बड़े दिल के आदमी है, उदार दिल वाले हैं, आए इतने दरिया दिल हैं कि सारा पैसा जो इनकम आया था हमारे पिताजी के गाने वाले गीत से कॉपी किया हुआ था लोग, उस गीत का इनकम हमको मिल रहा है, ये कर दीजिए। फिर हम लोग मतलब उसी आपके आप नियम बनाइए ना, कोई नियम बनाइए, आपने नियम बनाया था कि आप लोगों ने नियम बनाया कि ट्रैक नहीं कोई गाएगा, ट्रैक कोई नहीं गाएगा, ट्रैक नहीं गा रहा है, तो ट्रैक नहीं गा रहा है तो अभी तत्काल में आप कैसे फेल हुई, हार्ड कार्ड छपाए से पहले रिलीज कर दिए, कैसे रिलीज हो गया, कहाँ से आ गया? जब अजीत हलचल जी गाए हैं, अजीत हलचल ने श्री तूफानी खेसारी लाल यादव जी को गीत दिया, खेसारी लाल यादव प्रोग्राम में गाए, फिर खेसारी लाल यादव कैसे गा करके आदिशक्ति फिल्म में रिलीज किए, तो फिर वो गीत कैसे वहाँ रिलीज हो गया आपके पास? दिखाएंगे ना कि मेरे पास पहले रिलीज हुआ, यही ना दिखाएंगे, दो चार दिन पहले रिलीज हुआ। तो फिर जब आप चीटिंगबाजी कर रहे हैं, ये चीटिंग हो गया, ये चीटिंग हो रहा है, तो ये सब छोड़ दीजिए, आप ही नियम बनाते हैं, आप ही तोड़ते हैं। एक बात पर, एक जुबान पर रहा कीजिए, आए एक जुबान पर रहिए, जो एक बार रूल बनाइए आप सब, सारा कंपनी फॉलो करेगा। एक बार रूल बनाइए, मीटिंग कर लीजिए आप लोग कंपनी वाले की, यही रूल रहेगा, इसी अनुसार सब लोग चलेगा, उसी के अनुसार चलेगा, क्यों अलग अलग होगा, सबके हित में रहेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम नया नया गीत अभी चांदा कंपनी में बहुत सारा रिलीज हुआ है, नया नया गीत रिलीज हुआ है, तो नया नया गीत रिलीज हुआ है तो ट्रैक गाते हैं, लेकिन अब फिर सेम ट्रैक नहीं, सेम मैटर नहीं, हाँ धुन पर धुन चलता रहता है। अब कोई कहते निमिया की डाढ़ मैया क्यों कोई गा दिया, ये क्यों कर दिया, निमिया की डाढ़ मैया आज का नहीं है, पारंपरिक चीज है, आए परंपरा से चला आ रहा है, तो आप किसको ले जाके उसका इनकम देंगे? जो हमारे बेटी गाना दो ये जगह से ना आता है, दो ये जगह से उत्पन्न होता है, या तो हमारी माँ बहन गा के हमको सुनाती है, या जो हमारे पूर्वज छोड़ के चले गए हैं वहीं से हम लोग कुछ कुछ निकालते हैं, यहीं से दो जगह से उत्पन्न करते हैं। तो कम से कम इतना रहम कीजिए कि हमारा जो भी ब्लॉक किए हैं उसको हटाइए, हमारे ऊपर अत्याचार ना किया जाए, हमारा शोषण ना किया जाए, हम गरीब कलाकार हैं महाराज, कैसे कैसे जीते हैं है, तो हमको जीने दीजिए। सारे भाई लोग से निहोरा है कि इसको जितना फैलाना है फैलाइए, कि ताकि भोजपुरी के इंडस्ट्री के लोग जान जाएं क्या सही है क्या गलत है। वो भी और कुछ बोलते हैं, अपने सफाई में देना चाहते हैं, तो लाइव में आके सफाई दें, उसके बाद भी हमारे पास प्रूफ है। लेकिन हमारे ये लाइव आने का उद्देश्य ये नहीं है कि कोई टेंशन करना, कोई विद्रोह करना, किसी को किसी का शोषण करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी को उत्तेजित करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि सपोर्ट कीजिए कलाकारों को, कलाकारों का उत्थान कीजिए, उसका विनाश नहीं कीजिए। जब तूफानी लाल पहले यूट्यूब पर सबसे पहले चढ़ाया है, आप ही के कंपनी में चंदा में, आप ही का कंपनी वेब कंपनी में आपके पास दोनों गाना जो चढ़ा है उस डेट से पीछे का है, तो फिर हमारा राइट बनता है कि आपका गाना हटवाएं। लेकिन मैंने ऐसा कभी मतलब कि आप पर कोई क्लेम गया कोई किया नहीं किया, क्योंकि वो घर के कंपनी समझते हैं। तो जब आपसी मैटर है, आपसी आपका मैटर है, घर की कंपनी है, तो जब वो लोग कहते हैं चंदा वाले घर की कंपनी है, तो वेब को भी वहीं उदारता रखना चाहिए कि तूफानी लाल घर का है। तो तूफानी लाल का एक छोटा सा चैनल है तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड, उसी पे मतलब कि ब्लॉक कर दिए, उससे कितना 2000 सब्सक्राइबर है महाराज, 4000 सब्सक्राइबर, उससे क्या मिलता, कितना हमारा पति हो जाएंगे। तो उदार दिल बनिए, गरीब आदमी को जीने दीजिए, अर्नव फिल्म पर है ब्लॉक, उसको हटाइए। तो आप लोग भाई हैं, हमको दिल से सपोर्ट कीजिए कि हमारा हिम्मत हौसला बना रहे, यही हम लास्ट में कहेंगे। और सब भोजपुरिया समाज को गोल लग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और जो जो लोग शेयर नहीं किए हैं कम से कम शेयर कर दीजिए, कि सारे लोगों के पास ऐसा शेयर मतलब ऐसा शेयर कीजिए, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसा शेयर कीजिए कि भोजपुरी के एक एक मोबाइल तक चला जाए, ऐसा शेयर कीजिए। भाई लोग से फ़ोन करके शेयर करवाइए कि भाई हाँ भाई मजबूरी में है, एक आज तूफानी मजबूरी में नहीं है, हम नहीं ये सब में आना चाहते हैं, कभी नहीं, कभी देखे हैं कभी किसी के टेंशन में आना, किसी से झगड़ा करना, किसी से लफड़ा करना,
किसी को गाली गलौज करना, एक से एक लोग करते हैं, लेकिन हम नहीं, ये सब में हम कहते हैं कि हम लोग कलाकार हैं, हम लोग किस काम में आ गए हैं, पहले जो थे आज क्या है, कलाकार हैं। हमारा क्या काम है, किसी को खुश करना काम है, किसी को हंसाना काम है, किसी को रुलाना काम नहीं है, हैं। तो हम लोग एक कलाकार हैं, दिल बहलाने वाले हैं, तो ऐसे लोग को दुखित नहीं कीजिए। आप लोग भाई इतना फैलाइए कम से कम जो कलाकार है उसको सपोर्ट मिले, वो जिंदा रह पाए, हैं। तो सब भाई लोग से यही निवेदन करेंगे कि भाई को सपोर्ट कीजिए, गोड़ लग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, अब रख रहे हैं, फैलाइए इसको, आशीर्वाद दीजिए।